हेलो, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ अजमेर रोड पे जयपुर में, और इस वीडियो पे आगे आप देखने वाले हैं जयपुर का नाइट लाइफ और अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर तक का ये सफ़र रहेगा, आप बने रहें वीडियो में, मज़ा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। बड़ा पाव 20 रुपया, दाबेली बड़ा पाव, दाबेली बर्गर। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं संजय नगर तिराहे पे हूँ। ये देखिए मेरे पीछे ये भैया भी आए हैं। कैसे हो? सब बढ़िया सर। बढ़िया हो? आज कहाँ रहते हो? यही रहते हो क्या? मैं तो सरकारी रेस्टोरेंट में। अच्छा 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 अच्छा, छुट्टी है इसलिए घूमने फिरने के लिए आ गए। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। ये शाम को घूमने के लिए, सैर करने कदमी के लिए आए हुए लोग। और ये पूरा मार्केट यहाँ का आप देखें, मैं सामने से दिखा देता हूँ। चंडी सिंह जी का मंदिर भी यहाँ पर है। ये पूरा यहाँ का व्यू, यहाँ शनिदेव का मंदिर भी है, मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है। ऑडियो मैंने रिकॉर्ड किया था इसके साथ, वो मैंने बंद कर दिया क्योंकि इसमें वजन चल रहा था मंदिर में, और उसी कॉपीराइट का खतरा रहा, इसलिए इसमें वॉइस ओवर दिया है। अभी मैं पहुंच गया हूँ SBI चौराहे पे, मैं आपको सामने कैमरे से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर SBI बैंक है, इसीलिए इसको बैंक चौराहा भी बोलते हैं, SBI बैंक चौराहा भी बोलते हैं। ये वैशाली नगर का एक मेन जो है एरिया है। इधर देखें आप, ये ट्रैफिक जा रहा है, और इधर भी आने जाने का, और इधर से आने का भी ये पूरा है। आइए आगे चलते हैं। वैशाली नगर जयपुर का एक पॉश इलाका है, इसलिए ये बढ़िया बढ़िया शोरूम भी यहाँ पर हैं इसी रोड के ऊपर। बैंक चौराहे से चलते ही आप देखिए पूरा ट्रैफिक चल रहा है, और ये देखिए बढ़िया बढ़िया शोरूम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसी रोड पर थोड़ा सा आगे चलते ही ये आप देखिए पूरा मार्केट ही मार्केट यहाँ पर है। आइए और आगे चलते हैं। और ये देखिए, ये बादाम शेक और फलूदा और ये सब, ये भैया कहाँ से बताया? भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा से भैया हैं जो जयपुर में ये वैशाली नगर में बेच रहे हैं। इनका भी चलन है ऑर्डर टेक फॉर मेरिज एंड पार्टी, मेरिज के लिए भी ऑर्डर लेते हैं। और ये वैशाली नगर का पूरा इलाका। आइए और आगे चलते हैं। और ये आ गए हम अक्षरधाम चौराहे के ऊपर। ये अक्षरधाम चौराहा है यहाँ पर, ये देखिए पूरा यहाँ का हिसाब किताब, बहुत ही बिजी चौराहा है, हमेशा ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। और ये सामने एक तरफ अक्षरधाम मंदिर है, उधर चलते हैं। ये हम अक्षरधाम मंदिर के बाहर आ गए हैं। ये बाहर का कुछ व्यू है, ये मंदिर के बिल्कुल साथ में जो रोड चल रही है, और ये इधर जो सामने गेट है। आइए अंदर चलते हैं। ये गेट है, चलें अंदर। अंदर आते ये बूट हाउस, जूता यहाँ रख सकते हैं। और ये अंदर का कुछ व्यू आप देख पा रहे हैं, और ये मेन मंदिर है। और यहाँ पर दान भेंट कार्यालय ऑफिस है, पीने पानी का साधन है यहाँ। और ये सामने गार्डन इसके बना हुआ है। आइए और आगे चलते हैं। ये देखिए शानदार व्यू यहाँ नीचे से, चलिए ऊपर चलते हैं। ये यहाँ पर चलो पादुका, अक्षरधाम मंदिर अब
अपनी सुंदर वास्तुकला, शानदार मूर्तियों के लिए और नक्काशी के लिए जाना जाता है। हरे भरे बागान, फुहारों से घिरा हुआ शानदार, दीवारों पर मूर्तियां और नक्काशियों के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। मंदिर के अंदर तीन प्रमुख मंडप हैं, हरि मंडप, विभूति मंडप और प्रसादी मंडप। हरि मंडप में सोने की पत्ती से बनी भगवान स्वामी नारायण की 7 फुट ऊंची मूर्ति है, जिसे सोने और चांदी के आभूषणों से सजाया गया है। दूसरे मंडप विभूति मंडप में पीतल के कमल हैं, जबकि प्रसादी मंडप में भगवान स्वामी नारायण के पवित्र अवशेष हैं। यदि आप बाहर से मंदिर घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आप ज़रूर जान लें मंदिर का टाइम, सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8:15 बजे तक खुला रहता है और प्रत्येक सोमवार को ये बंद रहता है। अब आप मंदिर में होने वाली आरती और उनका टाइम भी जान लें। मंगला आरती प्रातः 6 बजे होती है, सांगर आरती प्रातः 7:30 बजे होती है, राजभोग आरती 11:15 बजे, संध्या आरती 7 बजे और शयन आरती 8 बजे होती है। इतने शानदार मंदिर में घूमने के लिए कोई भी फीस नहीं है, आप फ्री में पूरा मंदिर घूम सकते हैं। यदि आप बाहर से आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट मौसम अक्टूबर से फरवरी के बीच का हो सकता है। इस टाइम में राजस्थान में सर्दियां होती है, जो बहुत ही बेस्ट आपके लिए टाइम रहेगा यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि गर्मियों में राजस्थान में गर्मी बहुत तेज़ होती है, तो आप गर्मियों में न आएँ तो बेहतर होगा। यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो अक्षरधाम मंदिर वैशाली नगर में है, जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सिंधी कैंप से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। जयपुर आप हवाई जहाज़ से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं, और अपनी कार से भी और टैक्सी से भी आ सकते हैं। अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पर है। मंदिर में काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं, फोटो वगैरह लेते हैं, सेल्फी लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं और मंदिर का दर्शन करके जाते हैं। बहुत ही शानदार कलाकारी इसमें देखने को मिलती है, अलग अलग तरह की मूर्तियां आप देखें, बहुत ही शानदार कलाकारी आपको देखने को मिलती है और चारों तरफ हरा भरा गार्डन भी इसमें है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, इस शानदार वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।